अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खोबरे की चटनी। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार लीजिए, उसमें हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट डालिए, अपना घिसा हुआ नारियल डालिए, एक हरी मिर्च डालिए, अगर आपको तीखी चाहिए तो आप दो भी डाल सकते हैं, और हैंडफुल मुट्ठी भर हरा धनिया डालिए चॉप करके, साथ में पुदीना भी डालिए सेम क्वांटिटी, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालिए, वन टेबलस्पून फुल भरकर लहसुन डालिए, मैंने 10 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 10 कलियाँ है लहसुन की, साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टैमरिन मतलब इमली, उसके सीड निकालिए अंदर से, बीज निकालिए और फिर यूज़ कीजिए, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालिए, मैंने अभी थोड़ा ही डाला है, ग्राइंड करने के बाद आप टेस्ट करके चेक कीजिएगा, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालिए और उसको ग्राइंड कीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। अपनी चटनी तैयार हो गई। अब इसे कोई भी स्नैक्स के साथ या कबाब्स के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डिलीशियस।